और डाल दे रही हूँ और ये बन गई रात कचौड़ी। ये देखो मेरा पिटारा फिर से खुल गया है और मैं यहाँ बना रही हूँ करवा चौथ की पूजन के लिए एक जगह। यहाँ पे चौकी वगैरह रख दी है और इसे थोड़ा सा सजाऊंगी मैं। लकड़ी के दो टुकड़ों को लेकर मैंने ये जगह बनाई है जहाँ पे मैं रखूंगी पूजा की चौकी। और ये मैंने एक जगह इसलिए बना दी है ताकि अहोई अष्टमी हो या दिवाली की पूजा हो तो मैं यहीं पे सब पूजा अच्छे से कर सकूं। तो ये जगह मैंने मतलब अच्छे से डेकोरेट कर दी, बैकड्रॉप बनाया। ये डार्क ग्रीन कलर है, आपको शायद वीडियो में ये ब्लैक लग रहा है। और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स की मदद से ये एरिया मैंने बहुत सुंदर सा सजा दिया है, कुछ फैब्रिक बिछा दिए हैं। अब जितनी भी पूजा आएंगी ना आगे 10-15 दिन में, उन सब की स्थापना मैं यहीं पे कर दूंगी। और आज तो क्योंकि करवा चौथ है तो सारा करवा चौथ का सामान मैंने लाके रख दिया और ये सारे काम मैंने एक दिन पहले किए हैं रात में। और करवा चौथ माँ का लहंगा या चुन्नी वो सब मैंने इनको मतलब उड़ा दिया है। और ये है मेकअप का सारा सामान जो बायने का सामान होता है, एक सुंदर से पाउच में भर के मैंने इसको रख दिया है। और एक नारियल भी इसके साथ रखते हैं, तो ये मैं बना हुआ नारियल ले आई थी, आपके साथ वीडियो में शेयर किया था। एक डेकोरेट करने के लिए नारियल रखा यहाँ पर और एक छोटे पाउच में मैंने पीछे रख दिए हैं। और जो बायने के साथ पैसा देते हैं ना वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं। बस अब साड़ी रखनी बाकी है। और इस तरह से मैंने अपनी चौकी की पूरी स्थापना एक दिन पहले ही कर दी है रात में, और सुबह गंगा जल छिड़क कर इसमें पूजा शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने कहा था ना कि नारियल पानी पीने से प्यास नहीं लगती है, तो देखो मैं दो नारियल ले आई हूँ, अब इन्हीं को ही मैं पी लूंगी। सुबह करीब 3 o'clock उठ के दवा खाऊंगी, जो दवा जिससे कि मेरी तबीयत खराब ना हो। और ये मैंने यहीं रख दिए हैं। देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है, कितना बढ़िया है ना, देखो ऊपर तक बढ़िया आया ना, लग रही कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं क्या करूंगी ना, ग्लव्स पहन के काम करूंगी। कल मैंने पहन लिए हैं देखो ग्लव्स काम करने के लिए, ताकि मेरी मेहंदी खराब ना हो। सुबह उठी थी मैं 3 बजे और मैंने ये पी लिए थे देखो नारियल पानी। अब आज देखती हूँ मेरे सिर में दर्द होगा कि नहीं होगा। सारा काम मेरा हो गया है और देखो ग्लव्स ने खूब बचाए हाथ। देखो यहाँ पे तो मेहंदी जैसी थी वैसी है, यहाँ पे बच गई। और दूसरा हाथ दिखाती हूँ, दूसरे हाथ का ना थोड़ा सा ग्लव यहाँ पे फट गया मेरा, बाकी तो सही है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और आज थर्सडे है तो येलो सूट मैंने निकाला है ताकि मैं आराम से इसे पहने रहूँ, शाम को तैयार रहूँगी। अब मैं कर रही हूँ अपनी राधा रानी का श्रृंगार, उनको स्नान करा दिया है, सारा सामान मैंने यहीं रख दिया है। और उनके लिए ना मैं एक लिपस्टिक भी लेकर आ गई हूँ। राधा रानी के श्रृंगार के लिए छोटी छोटी सी चीजें मैं जब कभी भी मार्केट जाती हूँ लेकर आती रहती हूँ। ये इतनी छोटी चीजें होती हैं कि इनकी कोई लिस्ट नहीं बन सकती है। और राधा रानी की बस मैंने मेहंदी छोड़ी थी, बाकी सारी चीजें मैंने लगा दी थी, जैसे आलता वगैरह तो लास्ट में ही लगेगा। और ये बहुत ही सुंदर सा मांग टीका है। तो देखिए मेरे राधा रानी के सुबह पूरे 16 सिंगार मैंने किए और इन सबको काउंट भी किया, और बहुत ही सुंदर बाजूबंद भी मैंने इनको पहनाया था। मेरी राधा रानी इतनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल जैसे नजर ना लग जाए। सारे श्रृंगार मैंने किए हैं, काजल, मांग टीका, पाजेब, नेल पॉलिश, बिंदी, लिपस्टिक, मतलब जितने हो सकते हैं।
खाने के बगैर तो त्योहार हो ही नहीं सकता, तो आ गई मैं किचन में। खीर बनाई है मैंने अभी, चढ़ा दी थी, और साथ के साथ आलू की गोभी की सब्जी भी मैंने बना दी है। और मैंने मॉर्निंग में ही ना दाल भिगो दी थी जब नारियल पानी पिया था 3 बजे, तो ये दाल मैंने भिगो दी थी, उड़द की दाल है, और इसको अच्छे से वॉश मैंने कर लिया है और इसको अब मैं पीस लूँगी। एक्चुअली शानू भी आएगा अब कल शायद, तो मैंने सोचा पहले से ही कुछ दही बड़े या दही गुंजिया बना लूँ, और आज एक डिश और बनाऊँगी जिसमें कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसी डिश है कि इसे आप बना के रख दीजिए और आराम से 1 वीक तक हम इसे खा सकते हैं फ्रिज में से। तो दही गुंजिया की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। और देखिए, हाँ, ये मेरी खीर भी बन गई है, इसमें मैंने चीनी डाल दी है, और एक एक करके सारी डिश जो है तैयार होती जा रही हैं। और आप लोगों ने मुझे कहा था ना कि जब मेवे वगैरह काटने के लिए एक ड्राई फ्रूट कटर आता है, मैंने ये मंगाया था, बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों ने सही कहा था। मतलब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बताते हो ना कि उससे जो है बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, जिसके पास नहीं है वो आप लोग ले लेना, और इसी तरीके से मुझे हमेशा चीज़ें आप लोग बताते रहो और गाइड करते रहो, तो अच्छे दोस्तों का यही काम होता है। अब मैंने मेवे सारे कट हो गए हैं और अब शुरू हुई दही गुंजिया बनना। एक्चुअली इसकी मैंने आपसे बोला कि रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, बहुत ही आसान है, परफेक्ट बनती है। वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, बना लीजिएगा घर पे, त्योहारों पे बना के रख लीजिएगा दिवाली से पहले, और दिवाली पर जो भी आए ना उसको जरूर सर्व करिएगा। किचन में काम भी चल रहा है और मैं साथ के साथ अपना डेकोरेशन का काम भी कर रही हूँ जो दिवाली का है। वैसे तो करवा चौथ का दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन साथ के साथ ना मैं डेकोरेशन भी करती रहती हूँ, जो चीज़ें चेंज करनी होती हैं वो करती रहती हूँ, और ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो बिल्कुल फेस्टिवल वाली फीलिंग ना आ गई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा एक त्यौहार आने वाला है, बस उसी का इंतज़ार है। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स कितने बढ़िया तरह से कट हो गए हैं और खीर मेरी तैयार हो गई है, इनको मिला दिया, बहुत ही सही चीज़ है, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर लीजिए। सब्जी बन गई है, इसमें मेरी बन गई है खीर, और मेरे जो दही गुंजिया है वो भी मैंने पानी में भिगो दी है, अभी इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दूंगी। और आलू बॉयल कर लिए हैं, और ये हैं चने जो कि मैंने उबाल लिए हैं, रात को भिगो दिए थे, अभी उबल गए। अब आप पूछोगे कि ये सब चीज़ें मैं किस लिए कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बनानी है राज कचौड़ी। राज कचौड़ी बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक नाप ध्यान रखिएगा, एक हिस्सा सूजी का रखना है और बाकी के 3 हिस्से हमें मैदा के रखने हैं, यही इसका करेक्ट मेजरमेंट होता है। और एक ही कप से इसको कोशिश करिएगा आप मेज़र करने की, और उसके बाद जितनी सूजी होती है ना उतना ही इसमें ऑयल डालते हैं। जैसे देखिए सूजी इसमें एक पार्ट मैंने ले ली है, 3 पार्ट मैदा ले लिया है, और इसमें मोयन डालना पड़ेगा, तो मैंने जितनी सूजी ली थी उतना ही मोयन इसमें डालूंगी। और हाँ, इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए, और चाहे तो थोड़ी सी अजवाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है अच्छी तरीके से हमें इसका डो बनाना है। अब देखिए मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, और इसका परफेक्ट मेजरमेंट है उतना ही जितना मैंने सूजी को लिया था, और इसको बिल्कुल ऐसा डो बनाना है जैसे हम रोटी से थोड़ा सा टाइट बस बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड इसका डो मत बनाइएगा, बिल्कुल इसका रोटी जैसा या रोटी से थोड़ा सा टाइट डो रहता है। और डो बनाने के बाद हमें इसे कम से कम आधा घंटे रखना है ताकि सूजी फूल जाए अच्छी तरह से, नहीं तो आपकी जो राज कचौड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल खस्ता और बहुत बढ़िया राज कचौड़ी बनेंगी, और परफेक्ट ये फूल जाती हैं। अब देखिए मैं जो इसको बेल रही हूँ ना तो ये मोटी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन हाँ पूरी जितनी पतली इसको हमें बनाना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है।
करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, ऊपर से दबाना है तो ये बिल्कुल बॉल की तरह से फूल जाती है। बस इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, एक तो मेजरमेंट का और दूसरा सूजी को फूलने के लिए हमें टाइम देना है। डो बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा वरना सूजी फूलेगी नहीं और आपकी राज कचौड़ी मुलायम पड़ जाएंगी क्योंकि सूजी अपना कोई असर दिखा नहीं पाएगी। तो ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी परफेक्ट बॉल जैसी बिल्कुल राज कचौड़ी बन जाएंगी। देखो कितनी बढ़िया फूल रही है मेरी राज कचौड़ी, है ना। और इनको ना किनारों से जरूर सेक लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है, ये एक दो खराब भी होती हैं जो फूलती नहीं है, और इन्हें किनारे से भी थोड़ा सा सेक लें, नहीं तो किनारे थोड़े से इनके मुलायम रह जाते हैं। पूजा के लिए मिट्टी की गौरा माँ बनाई जाती हैं और उनके सारे श्रृंगार किए जाते हैं और उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें मैं लेकर आती रहती हूँ, जैसे ये एक बहुत ही सुंदर सा उनका वस्त्र है जो कि मैंने उनको पहनाया है, आलता लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है, क्योंकि खुद तैयार होने से पहले हमें गौरा माँ को जो है सारी चीज़ें अर्पित करनी पड़ती हैं। तो मैंने गौरा माँ को और राधा रानी को दोनों को ही ये सारे श्रृंगार कर दिए हैं, और हाँ सिंदूर वगैरह जितना होता है वो सब में नया लेकर आती हूं गौरा माँ के लिए। करवे स्थापित कर दिए मैंने गौरा माँ के सामने, गौरा माँ का करवा है और इधर मेरा करवा है, और सात बार जब इनको बदलेंगे तो जो मेरा करवा है वो गौरा माता की तरफ आ जाएगा। तो फिर हम इसी करवे से चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जल देते हैं। मैंने सब में स्वास्तिक बना दिए हैं, कलाया बांध दिया है, गणेश जी स्थापित कर दिए हैं, शिव भगवान स्थापित कर दिए, शिव परिवार मेरे पास नहीं है तो शिव भगवान स्थापित कर दिए हैं, और सारी स्थापना कर दी है, करवे भर के रख दिए हैं। अब फल हुए, मिठाई हुई, ये सब शाम को आएगा तब मैं उन्हें रखूँगी यहाँ पर। और एक चीनी का करवा होगा जिसके अंदर या तो चावल या मेवे भर के मैं बायने में रखूँगी, जिसे कि जो है जब बायना दिया जाएगा तो उसे दे दिया जाता है, करवा दान भी किया जाता है ना, इसलिए तो वो मैं एक यहाँ पे रख दूँगी। पूजा का काम ना लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है, लास्ट तक लगता है कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। फैन मैंने चला रखा है, उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो अब मैं जाती हूँ तैयार होने खुद। मैंने इस बार करवा चौथ पे ना सारी चीज़ें बिल्कुल प्लानिंग से करी थी कि मुझे 2 बजे तक सारा खाना बना देना है और उसके बाद तैयार होना है। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ और इस टाइम करीब 3 बजे का टाइम था और मैंने सारा खाना बना के रख दिया था, और अब मैं जाऊँगी मेकअप कराने। पिंकी आए हुए हैं तो उन्होंने जब मैंने उनका मेहंदी का काम देखा तो मेरा मन किया कि चलो मेकअप भी कराती हूँ उनसे, एक बार ट्राई करते हैं। और मैं पहुँच गई पिंकी और शिल्पा के पास, हमारे नेबर है ना, उनकी जो है छोटी बहन है। आज पिंकी करेगी मेरा मेकअप। मैं तो बहुत हल्का फुल्का मेकअप करने वाले लोगों में से हूँ। आ गई शिल्पा। शिल्पा ने और पिंकी ने दोनों ने किया है मेरा मेकअप, कैसा हुआ है घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मैंने ना नथ भी पहनी है और आई मेकअप भी किया है, मांगटीका भी लगाया है, पूरी मांग भी भरी है, गजरा भी लगाया है। साड़ी, अभी इसके ऊपर चुन्नी भी पहननी है, और खूब तैयार हुई हूँ आज। तो देखो नथवत सब पहनी, 16 या 32 सिंगार हो गए हैं, और देखो चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब हो गई। देखो
ये मैंने एक कांजीवरम की मेरे पास साड़ी थी वो मैंने पहनी है और अब मैंने पूजा की तैयारी करी। पूजा की तैयारी में मेन जो होता है वो करवे बदलने का काम होता है, व्रत की कथा होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो करवे होते हैं तो उनमें तो पानी भरा रहता है और दान के करवे भी होते हैं, तो मैंने सारे दीपक जला दिए और कथा वगैरह की सारी तैयारी कर ली है और उसके बाद मेरी हुई पूजा। और पूजा की कथा सुनने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो मैंने करण को अपने पास बिठाया, हाथ में गेहूं या चावल के दाने देके मैंने उसको पूरी अपनी कथा जो करवा चौथ की कथा होती है वो सुनाई। करण बड़ा सीधा बच्चा है, वो चुपचाप बैठ के हुंकारे भरता रहा और मेरी पूरी कथा उसी ने सुनी। बस अब इंतजार है मुझे चांद के निकलने का और अमर के आने का, दोनों का इंतजार है ताकि जो है मेरी पूजा कंप्लीट हो। अब मैं लगा रही हूँ राज कचौड़ी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत उससे आपको दिखा सकूं। जैसे बना रही हूँ तो राज कचौड़ी में जितना भी सामान होता है जैसे दिखा दूं आपको। ये चने मैंने बॉईल कर लिए हैं देखिए, और ये आलू भी बॉईल कर लिए हैं, इनको बारीक बारीक मैं कट कर लूंगी। और ये जो दही गुंजिया है इसको डालना है, और मैंने दही फेंट ली है, और यह है हरी चटनी। ये रही मेरी सौंठ जो पहले मैंने बना के एक बॉटल में रख रखी थी, इसका यूज करूंगी। एक दही गुंजिया को हाथ से दबा के बिल्कुल सॉफ्ट बनी है दही गुंजिया, इसमें कट कर लेती हूँ। और ये टुकड़े जो है ना रात कचौड़ी में पड़ जाएंगे, देखो बीच में इसमें मेवे भरे थे ना वो निकल गए। इसमें जितनी चीजें भर सकते हैं अपने भरो, मेरे पास वो नहीं है, सेव नहीं है, नमकीन और सेव, तो इसलिए मैं उनको नहीं डाल रही हूँ। और अब डाल रही हूँ दही इस तरह से, है ना, और ऊपर से भी थोड़े से और डाल दे रही हूँ ये। और ये बन गई राज कचौड़ी, तो दोनों लोग खाएंगे लेकर। देखो मेरा तो व्रत है और सब लोग राज कचौड़ी खा रहे हैं, कैसी बनी ये भी बतानी है। करण बताना कैसी बनी। बढ़िया बनी, खा ली तूने? कैसी बनी? बढ़िया बनी। चांद निकल आया था और अब मेरी वही पूजा शुरू हुई। ज़्यादातर इस टाइम को मैं शूट इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि थक जाती हूँ और पूरा दिन हो जाता है, लेकिन इस बार आप लोगों ने कहा था कि दी शूट करना, तो मैंने पहले ही जो है अपने आप को, और वैसे ना पहले ही अपने आप को नहीं, मैं आज के दिन मेरे ना तो कोई सर में दर्द हुआ ना कोई दिक्कत हुई, तो आप लोगों की एक और ट्रिक बहुत काम में आई, नारियल पानी पीने का बड़ा फ़ायदा हुआ। और चंद्रमा के निकल जाने के बाद मैंने अपनी जो है पूरी पूजा करी। अमर थोड़े से कैमरा शाई है, मतलब वो कैमरा में आते नहीं है, तो वो मुस्कुराते रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरी पूरी पूजा हुई। पूजा करने के बाद फिर खाना पीना खाया, तो पहले तो आप पूजा देख लो, एक नॉर्मल पूजा थी, चंद्रमा को देख के अर्घ दिया। हाँ इस बार कोई गिफ्ट नहीं मिला, वैसे तो साल भर गिफ्ट मिलते ही रहते हैं, जरूरी नहीं है कि करवा चौथ पे ही मुझे कोई गिफ्ट मिले, तो अभी देखते हैं आगे दिवाली वाले दिन क्या गिफ्ट मिलेगा। जो भी मिलेगा आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। हमारी करवा चौथ हो गई। तो दोस्तों ये था करवा चौथ का एक छोटा सा ब्लॉग। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और ठाकुर जी और राधा रानी करें इस तरह से हमेशा सबका सौभाग्य और सबका सुहाग अखंड रहे। तो फिर मिलेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल आप सब लोगों त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयां। जोर से बोलिए, मेरी आवाज इतनी तेज है, इतनी तेज बोलना पड़ेगा। हैप्पी करवा चौथ बोल दो। हैप्पी करवा चौथ सब लोगों को, त्योहार की बहुत ज्यादा लोगों को मंगल में है, आपके त्योहार सारे मंगल में, करवा चौथ बहुत बहुत मंगल में है। चलो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।